स्टूडेंट्स बच्चों, आज मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बताऊंगा। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? जब कोई कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो उस कॉइल में जब मैग्नेटिक फ्लक्स की क्वांटिटी चेंज होती है तो उस कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस हो जाता है। इसी फिनोमेना को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये आपके दिमाग में बात आई होगी कि व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं क्या कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग नॉर्मली टू दैट सरफेस। अब मैं इसे आपको एक्सप्लेन करता हूं। मान लीजिए ये कोई सरफेस है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है जिस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, बी। तो जब मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां पर क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होंगी इस तरह से। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को नॉर्मली क्रॉस करेगी वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बताएंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। ये तो इसको डिफाइन करने का तरीका हो गया। अब इसको मेजर कैसे करते हैं? मेजर करने का तरीका इसका ये है, मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। अब इसको मेजर करने का तरीका ये है, मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज द प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड टू दैट सरफेस। जैसे इसको हम मैथमेटिकली ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, bn इंटू डेल्टा s। ये bn क्या है? ये bn है नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या है, डेल्टा एस वो सरफेस है जो इस मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। अब ये किसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस। अब मान लीजिए कोई सरफेस है उसका एरिया क्या है, सरफेस का एरिया है डेल्टा एस सरफेस एरिया है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है जिसकी स्ट्रेंथ क्या है, बी। मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है जिसकी स्ट्रेंथ बी है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और डेल्टा एस की डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वो एंगल को हमने रिप्रेजेंट किया किससे, थीटा से। तो अब ये बी एन कॉम्पोनेंट क्या हो जाएगा, बी एन इक्वल टू बी कॉस थीटा, bn इक्वल टू बी कॉस थीटा। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर वन और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर टू। अब हम क्या करेंगे, bn की वैल्यू को इक्वेशन नंबर टू से इक्वेशन नंबर वन में प्लेस करेंगे, तो ये फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाई इक्वल टू bn इक्वल टू क्या है, बी कॉस थीटा इंटू ds। ये हो जाएगा b इक्वल टू b इंटू डी एस कॉस थीटा, फाइ इक्वल टू बी इंटू डी एस कॉस थीटा। यहां पर b क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डेल्टा s क्या है सरफेस, और कॉस थीटा क्या है एंगल बिटवीन b एंड डेल्टा s। अब क्योंकि ये डेल्टा s क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम इस इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होती है और डेल्टा एस भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो फाइ इक्वल टू बी इंटू डेल्टा एस। अब ये फाइ जो है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये एक मैग्नेटिक फ्लक्स, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, दैट इज इट डज नॉट हैव डायरेक्शन। अब ये किसी सरफेस के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी उस सरफेस के ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करती है कि उस सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में क्या ओरिएंटेशन है, यानी उनके बीच में ये जो कॉस थीटा की वैल्यू है। अब बच्चों इसके लिए यहां पर दो कंडीशंस हैं, वो मैं आपको बताता हूं। सपोज ये सरफेस है और ये जो डेल्टा एस की डायरेक्शन होती है वो हमेशा हम सरफेस के कैसे लेते हैं, नॉर्मली लेते हैं।
अब मान लीजिए ये सरफेस रखी हुई है मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस की कैसे है, परपेंडिकुलर है ऐसे। अब जब ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर है, ठीक है, और जो डेल्टा एस की डायरेक्शन होती है वो भी हम कैसे लेते हैं, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो बी और डेल्टा एस के बीच में यानी जिस डायरेक्शन में बी है उसी डायरेक्शन में क्या है डेल्टा एस, दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, बी और डेल्टा एस के बीच में एंगल क्या हो गया जीरो डिग्री। तो अब हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या थी हमारी इक्वेशन, फाई इक्वल टू बी इंटू डेल्टा एस कॉस थीटा। अब यहां पर थीटा की वैल्यू क्या होगी जीरो, तो बी इंटू डी एस कॉस जीरो डिग्री, बच्चों कॉस जीरो डिग्री, कॉस जीरो डिग्री इक्वल टू क्या होता है वन, तो ये इक्वेशन क्या बन गई फाई इक्वल टू बी इंटू डेल्टा एस। ये मैग्नेटिक फ्लक्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है थ्रू दैट सरफेस, यानी जब कोई सरफेस मैग्नेटिक फ्लक्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखी हुई हो, तो उस समय उस सरफेस में मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी, और वो इक्वल टू होगी क्या बी इंटू डी एस। अब बच्चों दूसरी कंडीशन के बारे में आपको बताता हूं मैं, अब देखिए दूसरी कंडीशन हम क्या लेते हैं, मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अब ये डायरेक्शन कैसी है पैरेलल टू दैट सरफेस। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था डेल्टा एस की डायरेक्शन कैसी होती है हमेशा सरफेस के पैरेलल, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये किसकी डायरेक्शन है डेल्टा एस की, और ये किसकी डायरेक्शन है बी की। अब यहां पर बी की और डेल्टा एस की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। अब हम फिर इक्वेशन के अकॉर्डिंग इसको कंसीडर करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को, बी इक्वल टू फाइ इक्वल टू बी इंटू डी एस कॉस थीटा। अब देखो बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री, अब कॉस 90 डिग्री इक्वल टू क्या होता है जीरो, तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग फाइ इक्वल टू क्या हो गया डी इंटू डी एस कॉस 90 इक्वल टू जीरो, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू सरफेस में क्या हो गई जीरो, यानी जब कोई सरफेस मैग्नेटिक फ्लक्स के पैरेलल डायरेक्शन में रखी हुई हो, तो उस समय जब कोई सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में रखी हुई हो, तो उस समय उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स की क्वांटिटी क्या होती है जीरो। बच्चों हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट की, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई सिस्टम में यूनिट होती है वेबर, और इसको डिनोट किया जाता है डब्लू बी से। अब वेबर को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वेबर की वैल्यू को इसकी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, एक्सप्रेशन क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स की बी इंटू डी एस। अब एसआई सिस्टम में ये बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है टेस्ला, 1 टेस्ला इंटू ये सरफेस एरिया, इसकी यूनिट क्या होगी मीटर स्क्वायर, 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको वेबर को यूनिट को क्या कर सकते हैं डिफाइन भी कर सकते हैं, इससे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ यूनिट एरिया
विल बी 1 वेबर व्हेन इट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर थ्रू दैट सरफेस। ये तो यूनिट थी किसमें, एसआई सिस्टम है। अब जो सीजीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम में मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है क्या, मैक्सवेल। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इन सीजीएस सिस्टम इज मैक्सवेल। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पर है 1 मैक्सवेल इक्वल टू 1 गॉस इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर हम वेबर में और मैक्सवेल में रिलेशन की बात करें तो 1 वेबर इक्वल टू 10^8 मैक्सवेल। तो बात करते हैं डाइमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसकी डायमेंशन फॉर्मूले को भी हम इसके जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो एक्सप्रेशन है उसी से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, एक्सप्रेशन क्या है, फाइव इक्वल टू बी इंटू डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब B इक्वल टू क्या होता है, B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। इसकी क्वांटिटी होती है B इक्वल टू F अपॉन Q इंटू V इंटू डेल्टा S cos थीटा। अब देखो बच्चों, यहाँ पर ये जो cos थीटा है ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। अब ये जितनी सारी क्वांटिटीज है हमारी एक्सप्रेशन में, इन सब की हम डायमेंशन को रखते हैं यहाँ पर। यह है F, F क्या होता है, फोर्स। फोर्स की डायमेंशन होती है ML T माइनस टू। अब Q जो है, Q है चार्ज, Q इक्वल टू होता है IT, I इंटू T और इंटू V और इंटू डेल्टा S। अब इन सब क्वांटिटीज की हम डायमेंशंस को रखते हैं। फोर्स की डायमेंशन हमने पहले लिख ली थी ML T माइनस टू। अब ये क्या है, IT, इसकी डायमेंशन हो जाएगी A T इंटू पोटेंशियल, इसकी डायमेंशन होती है L T माइनस वन इंटू डेल्टा एस, की डायमेंशन क्या हो जाएगी एल टू। अब देखो ये प्लस के टी से माइनस का टी कैंसिल हो जाएगा और सॉल्व करके इसकी डायमेंशन क्या आएगी, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन। ये डायमेंशन किसकी आती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की। ये जो A है ये ऊपर जाकर इसकी पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो इसकी डायमेंशन क्या हुई मैग्नेटिक फ्लक्स की, ML2 T-2 A-1।